अब गाइस आज की लॉबी कुछ ऐसी रहती है ना कि आज की लॉबी में पहले तो मेरी ही टीम में दो दो ग्लेशियर वाले बंदे हैं, प्लस में लगभग हर एक मिनट में जो किल फीड आ रही थी ना ग्लेशियर कुछ भी गन चमक रही है। तो इस लॉबी में जिस लेवल का एसनाय को डोमिनेट करा है फुल क्लियर करके निकलने वाले हैं और वो किस लेवल की डोमिनेंस दिखने वाली है वो तो तुम देखो सबसे पहले। बट यहाँ पे हमारी लैंडिंग हो रही थी एसनाय किसी बिल्डिंग और हमारे साथ एक स्क्वाड यहाँ पर। इस बंदे को मारने के बाद मुझे पता था कि इसके बाकी के बंदे नीचे गए। फटाफट से यहाँ से यूएमपी उठाता हूँ, रिलोड वगैरह करने के बाद अब मैं फटाफट से नीचे जंप मार देता हूँ। बट नीचे जो फील्डिंग लगी हुई है ना तीनों बंदों की, बस तुम वो देखो एक बार यहाँ पे। यहाँ पे जो कि मेरा टीममेट है पागलों की तरह घुसता है, किल के पीछे अंधों की तरह जाता है और उसे बंदे अच्छे से किल का स्वाद चखा देते हैं। बट इनको मारते मुझे बाहर से साउंड आता है। इस बॉट को मारने के बाद कतई दिल तो पूरा खुश हो जाता है, बट अब मैं यहाँ से सामने की साइड निकलने वाला हूँ और उधर जिस तरह की फाइट होने वाली है ना बस तुम एक बार देखो। यहाँ पे आके मैं M4 वगैरह उठा के फटाफट से छत पे चला जाता हूँ क्योंकि वहां से मुझे प्रॉपर एंगल मिल सकता था। लेकिन तभी मुझे पता चलती है कि सामने वाले घर में भी बंदे हैं। यहाँ पे मैं बिना हिल किए सबसे पहले एक नेड कुक करता हूँ। यहाँ पर मैं दो बंदों को नॉक कर चुका था। यहाँ पे मैं फटाफट से ड्रिंक मारता हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ सामने की साइड रेस करने के लिए। यहाँ पे मेरा टीममेट नेड मार के एक और बंदे को नॉक कर देता है। मैं भी ऊपर जाके सबसे पहले तो यहाँ पे अपना किल कंफर्म कर लेता हूँ। बट अब जो अपार्टमेंट में फाइट होने वाली है ना आगे की साइड, बस तुम वहाँ पे तो देखो कि किस लेवल की फाइट कर रहे हैं और वो बंदे। और जिसने अभी कल वाली वीडियो नहीं देखी है ना, कल के मैच में हमारे मैच में सौविक डी भाई आए थे तो देखना मत भूलना, फटाफट से जाके देख लो। बट अब यहाँ से जैसे ही मैं आगे की साइड जाता हूँ सामने गंदे तरीके से दो स्क्वाड की फाइट हो चुकी थी। अब इस मॉली से मैं यहाँ पे इन दोनों बंदों को तो जला देता हूँ और यहाँ पे इजी दो किल निकाल के अब मैं यहाँ से आगे की साइड निकल जाता हूँ क्योंकि पीछे वाले रेड हाउसेस में गलत ही लेवल की फाइट हो रही है और वहाँ पे मैं जिस सिचुएशन से बच के निकलता हूँ या फिर जैसे सिचुएशन में मैं फंसता हूँ बस तुम वो देखो। बस मैं जैसे इस घर से आगे जाता हूँ कि तभी देखो क्या कैंपिंग है आगे। लास्ट वाले बंदे को आके मेरा टीममेट मार देता है। यहाँ पे मैं जैसे हील करता हूँ बट अब यहाँ पे जो मेरे साथ होने वाला है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर की साइड जस्ट ब्रोकन वॉल पे कोई बंदा है और अभी देखो वही बंदा मेरे साथ क्या कर देता है। ये बंदा मुझे यहाँ पे नॉक एंड फिनिश मार देता है। बट अब रिवेंज लेने की बारी हमारी थी, लेकिन ग्लेशियर तो लॉबी में कतई जहर तरीके से चमक रही थी। मैं फटाफट से रिकॉल होके फिर से आ जाता हूँ एसनाय में और मेरे टीममेट के ऊपर कुछ बंदे थे। यहाँ पे दोनों किल तो मेरा टीममेट ले जाता है बट BGMI वाले तो मुझे खुश करने के चक्कर में थे। यहाँ पे जस्ट मेरे नीचे से वो एक बॉट को भेज देते हैं और उसे मार के मैं यहाँ पे एक किल ले लेता हूँ।
लेकिन अभी यहाँ पे यसना है जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि सामने के साइड जो किया कुछ बंदे बैठे थे। मैं ना यहाँ पे छत पे बैठ के जस्ट सामने वाले बंदों के ऊपर एंगल वेंगल ही लेना चाह रहा था, लेकिन तभी जो सरप्राइज मिलता है ना, बस तुम वो देखो। इस बंदे को यहाँ पे जैसे तैसे रिफ्लेक्स मार के नॉक करता हूँ, उसके बाद नीचे जाके हील वगैरह करके चलता है फिर से छत पे। बट जो भी बंदा वीडियो को यहाँ तक देख रहा है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी बंदा है तुम्हारा फ्रेंड तो उसके पास शेयर भी कर देना। बट अब सामने वाला बंदा जो यहाँ पे गलती करने वाला है ना, बस तुम वो देखना। मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था कि सामने वाले बंदे कभी तो पीक करेंगे, लेकिन ये बंदा तो डायरेक्ट। यहाँ पे मुझे नहीं पता इस बंदे के दिमाग में क्या चलता है कि ये बंदा जो कि डायरेक्ट ओपन आ जाता है, उसके बाद जो कि मेरा टीममेट सामने वाले बंदे को भी नॉक कर देता है। अब इसे मारने के बाद हमें यहाँ से निकलना था, लेकिन इन बंदों को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी सामने के साइड से एक स्क्वाड आके मेरे टीममेट को नॉक कर देती है। मैं फटाफट से इसको रिवाइव करने के लिए जाता ही हूँ, लेकिन अब वो बंदे हमारे ऊपर रस कर रहे थे। लेकिन उनका एक बंदा दिमाग लगाने जाता है, वो डायरेक्ट रस ना करके बगल वाली बिल्डिंग से उसी जगह पे आना चाहता है जिस तरह से कि हमने इससे पहले वाली फाइट में रस करा था। बट मैं इस चीज़ को समझ लेता हूँ, और अब देखो इस बंदे को कितना इजी मारते हैं। इसके दूसरे बंदे को मेरा टीममेट मार देता है। बट अब यहाँ पे ना मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा फनी इंसिडेंट हो जाता है, तब तुम देखो। मैं इसको उठा के भागना चाह रहा था, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसका एक बंदा जो कि है पीछे वाले घरों में है। बट कोई नहीं, यहाँ पर तो मैं कवर में आ चुका था। मैं फटाफट से जो कि रेव लेता हूँ, और अब इनको जो किया ना, ये दो बंदे तो यहाँ पे फिनिश हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर रैप होने के बाद जस्ट मैं इधर होल्ड ही कर रहा था कि तभी ये तीनों के तीनों बंदे हमारे ऊपर यहाँ पे रस मार देते हैं। सामने वाला बंदा तो मेरे नेट के जाल में फंस जाता है, लेकिन तभी तीसरा बंदा। अब यहाँ पर ये स्क्वाड ऑलरेडी हो चुकी थी, बट अब यहाँ से हमारी जो डायरेक्ट फाइट होने वाली है वो होने वाली है लास्ट जोन में। बट इस मैच में की, या फिर इस मैच की जो एंडिंग है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक कैंपर बंदा क्या करता है ना, वो तो तुम देखो। बट उससे पहले मैं यहाँ पर आ चुका था, सामने की साइड दो बंदे थे, एक बंदे के पास ओम था जो कि पीछे से इनको कवर दे रहा था। बट तुम्हें पता है कि हमारे नेट्स किस लेवल के रहते हैं। मैं फटाफट से जाके एक सबसे पहले रैंडम नेड कर देता हूँ, तब तक मेरा टीममेट सामने एक बंदे को नॉक कर देता है। बट अब टाइम था परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ नेड डालने का, और बूम, इस स्क्वाड को मारने के बाद मैं सबसे पहले आगे जाता हूँ, क्योंकि इनमें से एक बंदे के पास MG3 थी, और हमें लग रहा था कि बाकी सारे के सारे बंदे सामने वाली स्क्वाड हाउस में है। मैं यहाँ पे फटाफट से MG3 उठा के रीलोड वगैरह ये कर रहा था, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। ये कैंपर बंदा यहाँ पर मुझे मार देता है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ जल्द वापस, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। बट उससे पहले टीममेट की फाइट देख लो एक बार, कि उस बंदे ने जो मूवमेंट दिया ना इसके सामने, कतई जहर भाई। Take care, love you all.